हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 13 से पंजाब नहरों में पीने का पानी देगा, सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा, 1.50 लाख हेक्टर में फसलों पर संकट। जैसलमेर पिछले 13 दिनों से ठिठुरन के बीच महापड़ाव पर नहरों में पर्याप्त पानी की मांग को लेकर बैठे किसानों के साथ सरकार ने एक बार फिर से छलावा करते हुए आगामी 12 जनवरी के बाद नहरों में पानी नहीं चलाने का निर्णय लिया है, जिससे लगातार तीसरे बार किसानों को नुकसान पहुंचाना तय हो गया है। गौरतलब है कि नहर विभाग द्वारा 12 जनवरी तक ही रेगुलेशन प्लान जारी किया गया था, जिसके बाद पानी की कमी के चलते इस बार नहरों में 13 जनवरी को सिर्फ पेयजल आपूर्ति की जाएगी, जिससे नहरी फसलों पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। जैसलमेर के जीरो हेड पर रबी की फसलों के लिए नहरों में पर्याप्त पानी की मांग को लेकर किसान महापड़ाव पर बैठे हैं। हर बार की तरह नहरी पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पर्याप्त पानी चलाने का झूठा आश्वासन भी दिया गया, लेकिन किसान लिखित समझौते को लेकर अड़े हुए हैं। इसके बाद अब नहरी विभाग द्वारा आगामी 13 जनवरी से सिर्फ पेयजल के लिए पानी चलाने के निर्णय से किसानों की फसलें खराब होनी तय मानी जा रही है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में नहरों का प्रवेश होता है, इसके बाद गंगानगर बीकानेर होती हुई नहरें जैसलमेर पहुंच रही है। टेल पर स्थित जैसलमेर को पहले से ही कम पानी से संतोष करना पड़ रहा है, जिससे किसानों को फसलों के पर्याप्त पानी के लिए हर बार विरोध करना पड़ता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 12 जनवरी तक ही सिंचाई के लिए 7,750 क्यूएक्स पानी मिलेगा। जनवरी के प्रथम सप्ताह में बांधों को कैचमेंट एरिया में बारिश नहीं हुई तो 13 जनवरी से सिर्फ पेयजल आपूर्ति होगी। पोंग और बाकड़ा के बांध में पानी की आवक बढ़ने पर ही रिव्यू किया जाएगा। यह निर्णय चंडीगढ़ में हुई बाकड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति बैठक में हुआ। इसमें बाकड़ा प्रणाली में 28 जनवरी तक 1200, गंग कैनल में 31 जनवरी तक 1800, नोहर सिद्धमुख परियोजना में 400 और खारा प्रणाली में 250 क्यूएक्स पानी देने पर सहमति बनी। बैठक में 12 जनवरी तक 7,750 क्यूएक्स पानी चलाने और जनवरी के प्रथम सप्ताह में मावठ होने की स्थिति रिव्यू करने पर सहमति बनी। बाकड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 12 जनवरी के बाद इंदिरा गांधी नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद जल संसाधन विभाग और किसानों को अब प्रकृति की उम्मीद है। वर्तमान में बाकड़ा और पोंग बांध में पानी की आवक ड्राई सीजन के अनुसार ही हो रही है, ऐसे में बहुत कम उम्मीद है कि 12 जनवरी के बाद सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा। जैसलमेर की नहरी किसानों का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि नहरों में पानी के पर्याप्त संचालन को लेकर किसानों को हर बार धरना देना पड़ता है। नहरी अधिकारियों की लापरवाही व उदासीनता के कारण नहरों में पानी की कमी हर बार की तरह हो गई है। किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले 13 दिनों से दिया जा रहा है महापड़ाव रविवार को जारी रहा। पूर्व मंत्री गुर्जर सिंह भी किसानों के बीच पहुंचे। कुलदीप सिंह बराड़, किसान नेता साहबान खान, जोगराज सिंह राजपुरोहित, मूलाराम सियाग, तनीराम सिंह, पूसा राम नागौरी, बाबू राम, मदीने खान, सुखदेव सिंह, प्रेमा राम कुमावत, प्रहलाद राम चौधरी, जोगा राम, लक्ष्मण सिंह भाटी, कमल सिंह नरावत, साबिर खान, चरण सिंह, पारू खान व इर्द खान सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। इस बार रबी की फसल के लिए किसानों को 4 बारी की पानी दिया जाना था, लेकिन नाशना क्षेत्र की नहरों को 4 से 3 बार पानी मिल चुका है। इसके अलावा मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में 4 में सिर्फ 2 बार ही पानी मिला है। टेल पर बैठे रामगढ़ नहरी किसानों को अब तक पानी का इंतजार है। रबी की फसलों के लिए किसानों को कम से कम 2 पानी की आवश्यकता है। फसल को पकाने के लिए अब अगर पानी नहीं मिला तो पूरी फसल तबाह हो जाएगी। किसान कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ है। नहर के छोर पर बसे किसानों को नहरी पानी से ही आस है, लेकिन अब पानी नहीं मिलेगा। मोहम्मद खान, किसान SKD माइनर। महापड़ाव में आगामी 4 जनवरी को वृहद स्तर पर किसानों को बुलाया गया है। इस बार भी किसानों के साथ पहले जैसा झूठा आश्वासन देकर यही किया गया है, लेकिन किसान लिखित समझौते को लेकर अड़े रहे। किसानों द्वारा यह अन्याय सहन नहीं किया जाएगा, विरोध जारी रखेंगे किसान नेता मोहनगढ़। जागरूक टीवी के जैसलमेर से अचल डांगरा की रिपोर्ट।